Class, our today's topic is planting trees. In this topic we are going to draw tree planting scene. So let's start drawing. Our first step is make U shape for the little boy face. एक बॉय का हमें यहाँ फेस ड्रॉ करना है, उसके लिए हम यू शेप, इस टाइप से हमने यू शेप ड्रॉ किया है. देन हमें हेयर स्टाइल यहाँ शो करना है. फर्स्ट हमने यू शेप ड्रॉ करा है, देन मैं अपर साइड से लेकर जाऊंगी ड्राइंग और ये हम हेयर स्टाइल ऐसे ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड. अब हम फीचर्स ड्रॉ करेंगे. अभी हमने हेड एंड फेस ड्राइंग कर दी. आईज को नोज शो करनी है लाइक दिस. अब हम नेक कंटिन्यू रखेंगे ड्राइंग. हमने बैक साइड इसका ऐसे शो करना है, ड्रॉ करना है. यहाँ से हम अदर हैंड हम ड्रॉ कर रहे हैं. अब हम फ्रंट हैंड हैंड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. यहाँ फिंगर्स हमें इस टाइप से कुछ बनाना है फिंगर्स के लिए. अब हम अदर साइड हैंड ड्रॉ करेंगे. अब हम बैक साइड से डाउन साइड का पोर्शन ड्रॉ करेंगे. यहाँ हम इसका नी ड्रॉ करेंगे. फुट अब यहाँ पे हमें अदर साइड नी हमने ड्रॉ करना है. ये यहाँ पर हैंड आ जाएगा, ये हाइड हो जाएगा. ये देख लीजिए, ये हमने अभी बॉय ड्राइंग कंप्लीट कर दिया है. तो हम आगे नेक्स्ट हम करेंगे हैंड के अंदर हमें क्या करना है, एक स्मॉल हम प्लांटिंग ट्री. तो यहाँ पर हम बॉय क्या कर रहा है, एक छोटा सा प्लांट लगा रहा है. यहाँ से हमें एक प्लांट ड्रॉ करना है. हैंड हाइड हो जाएगा, इसको हम हाइड कर देंगे. ये हमें छोटी छोटी लीव्स बनानी है. इसको हम हाइड कर देंगे. यहाँ हम ग्रास शो करेंगे. एक हम मग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, मग ड्रॉइंग. हैंडल आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रास हम ड्रॉ करेंगे. अब हमें बैकग्राउंड बनाना है लाइक दिस. ये लाइन कंटिन्यू लेकर आनी है आपको. अब हम यहाँ पे ग्रास बनाएंगे. ग्रास कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से देखें. अभी हमें ग्रास ड्रॉ करनी है. हैंड मेरा कैसे मूव हो रहा है वैसे ही आप करेंगे. ये हमने करा फ्री हैंड ग्रास, ऐसे आपको ड्रॉ करनी है. लाइक दिस. अब हमें ट्रीज ड्रॉ करनी है, ट्री ड्राइंग करनी है. तो ये हमने ब्रांच ड्रॉ किया. अभी हम ट्री भी ऐसे ही फ्री हैंड हमें ग्रास जैसा हमें शेप लेना है. अदर साइड हमें ट्री ड्रॉ करना है. ये हमने स्टेम ड्रॉ कर दिया है. सो हम कंटिन्यू करेंगे लाइक दिस. ये देखिए हमारी ड्रॉइंग कंप्लीट हो गई है. अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग.
कलरिंग स्टार्ट करने से पहले हम आउटलाइन करेंगे ब्लैक पेन से। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट है, मैं आगे रिवाइज करवा देते हैं, हमें फेस ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको यू लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। देन आपको हेयर स्टाइल, जैसे आपको फ्री हैंड हेयर स्टाइल ड्रॉ करना है। फीचर्स हमने बाद में ड्रॉ किया था, फीचर्स स्माइली फेस, अभी यहाँ से ये नेक ड्रॉ करना है आपको। कंप्लीट आउटलाइन करनी है हमें ड्राइंग, इस लाइन को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, अदर हमें हैंड दिखाना है, ओवरलैप नहीं करना है। ये ट्राउजर दिखाना है आपको, इस टाइप से साइड ड्राइंग। बैक साइड ऐसे फुट दिखाना है, नी के बल बैठना है यहाँ पे, इसको पोजीशन में सिटिंग पोजीशन में कैसे दिखाया नहीं दिखाया है। अभी हमें हैंड्स की आउटलाइन करनी है, अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन हमने कंप्लीट कर लेना है और जो उधर ड्राइंग थी हमारी उसको हम रब कर देंगे फॉर फिनिशिंग। फिनिशिंग का ध्यान रखना है, इसके अंदर नीट एंड क्लीन को करना है बिफोर कलरिंग। पेंसिल हम रेज करेंगे, अब स्पीड के साथ हम जल्दी से कलरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम हेड में करेंगे बॉय के, यहाँ मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ। इस क्लास ये देखिए, अभी हमने हेड में कलरिंग कम्प्लीट कर दी है, ब्लैक एंड ब्राउन। यहाँ हमने टू कलर चूज़ करा है इसमें कलरिंग के लिए, ब्लैक करना है फर्स्ट, देन आपको करना है ब्राउन। तो टू शेड में आपको हेयर में कलरिंग कम्प्लीट करनी है, वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, इसको अच्छी सी कलरिंग करना है कम्प्लीट फिनिशिंग के साथ। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्किन में, फेस में हम फेस कलर करेंगे ऑरेंज कलर, इसको हम अभी कम्प्लीट फिल कर देते हैं। और नेक में भी हमें कौन सा ऑरेंज कलर ही करना है। आफ्टर ऑरेंज कलर हम येलो कलर से मर्ज करेंगे कलरिंग फेस कर रहे हैं। इसी तरह से हम स्लीव्स यहाँ येलो कलर में करूंगी अभी हैंड्स में। अब हमें ऑरेंज कलर इसको कवर करना है ऑरेंज कलर से, लाइट टोन के साथ हमें यूज करना है। ये देखिए बेटा, हमने टू कलर्स के साथ हेयर्स कंप्लीट किया है। देन हमने स्किन कलर के लिए ऑरेंज कलर यूज़ किया है और थोड़ा ब्राइटनेस लाने के लिए स्किन में हमने येलो कलर यूज़ किया है। फिंगर्स में भी हमें सेम कलर करना है। वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, आपको डार्क कलरिंग करनी है। नेक साइड यहाँ कॉर्नर आपको डार्क कलरिंग करनी है। शर्ट में हम रेड कलर करेंगे, सॉरी हम पर्पल यूज कर देंगे, रेड अभी मिसिंग है कलर। चलिए रेड कलर हम यहाँ हमने रेड कलर फिल करा है। को हम टू कलर्स में शो करेंगे,
ये हमने रेड कर दिया है अभी। यहाँ हम मैं पर्पल कलर करूँगी स्लीव्स में। ट्राउजर में हम ब्लू कलर करेंगे। फिर ये हमने कंप्लीट ब्लू कर दिया है कलर। साइड हम पिंक कलर कर देते हैं। बेल्ट में हम लाइट ब्लू कलर फिल करेंगे, थोड़ा अदर टोन हो जाएगा लाइट ब्लू का। ये हल्का सा इसके अंदर है। ट्राउजर में भी मैं लाइट कलर करूंगी। शूज में हम पिंक कलर करेंगे। अब हमें क्या करना है, अभी हमने स्किन में यहाँ पर कलर नहीं करना है इसके थाइज में, तो यहाँ मैं ऑरेंज कलर लाइट कलर से फिल कर दूँगी। देन इसके ऊपर येलो कलर हम अप्लाई करेंगे। स्किन कलर के लिए हम क्या करेंगे, ऑरेंज एंड येलो। हमने कम्प्लीटली इसको फिल कर दिया मैंने। अब मैं येलो कलर इसमें अप्लाई करूँगी, इससे ब्राइटनेस आ जाएगी, स्किन कलर बेटर टोन बन जाएगा। ये देखो, तो बॉय ड्राइंग में हमने कम्प्लीटली इसको फिल कर दिया, कर्लिंग कर लिया। आगे हम कंप्लीट करेंगे स्पीड के साथ, थोड़ा रेड कलर में हम कर्लिंग कर देते हैं। उसका रेड के अंदर में यहाँ पर्पल मिक्स करूँगी और थोड़ा टोन इसकी ब्राइट बनाऊंगी। अभी शर्ट इसकी डल लग रही है तो हम ब्राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर ट्री में कलिंग करते हैं। हम यहाँ मैं स्केच पेन यूज करूँगी, बिल्कुल से स्पीड के साथ ग्रीन कलर में यहाँ करूँगी। प्लांट में हम ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में यूज़ कर लूँ। स्केच पेन्स, पेंसिल कलर, क्रियॉन्स कलर, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आउटलाइन करेंगे डार्क ग्रीन से, बाकी हम पेंसिल कलर से ड्रॉ करेंगे। अभी हम
मेरा पेंसिल कलर है हमारे पास, वो मैं यूज़ करूँगी। बाकी हम बैकग्राउंड अभी कंप्लीट करेंगे लास्ट में। मग में हम ब्लैक ब्लू कलर कर देते हैं। ड्राइंग बुक में आपको कलरिंग शो नहीं किया है इसमें बेटा, तो आप जैसे मैंने आपको अभी गाइड किया है वैसे ही आप कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमने वाटर शो कर दिया, बाकी हम पिंक कर सकते हैं। हम स्पीड के साथ यहाँ ग्रास में कलरिंग करेंगे। तो यहाँ लाइट ग्रीन है हमारे पास, तो हम फर्स्ट टोन करेंगे लाइट ग्रीन, बाकी डिटेलिंग के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइट ग्रीन कलर कराए हैं हमने अभी, आगे भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। आगे काफ़ी इसमें डिटेलिंग देनी होगी, आप मुझे देखते जाइए मैं कैसे करूँगी, आप लोग भी ऐसे मुझे फॉलो करेंगे। तो ये अभी हमारी फर्स्ट टोन है लाइट ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे करूँगी यूज़ डार्क ग्रीन कलर। तो कैसे करेंगे हम डार्क ग्रीन, ग्रास के अपर साइड एरिया में हम डार्क ग्रीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। फर्स्ट हमने करा है लाइट ग्रीन, देन डार्क ग्रीन। अभी देखिए डिफरेंस, देखिए अदर साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफरेंस देख सकते हैं बेटा। तो आपको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट लाइट ग्रीन देन डार्क ग्रीन आप अप्लाई करेंगे। अपर साइड हम ग्रास में कर लेते हैं कलर फर्स्ट। कलरिंग में ब्राइटनेस के लिए अभी थोड़ा हम डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं अदर साइड से, ये इफेक्ट ऐसे शो कर सकते हैं। और हमें अट्रैक्टिव करना है कलरिंग, तो ये हम पेंसिल कलर के साथ स्केच पेंस में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल कलर का इफेक्ट लाइट आता है, तो इसलिए हम ब्राइटनेस के लिए यहाँ डार्क ग्रीन कलर यूज़ करें। टाइप से हम अदर साइड भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीटली अब हमें ऐसे फील करना है, इसको ऐसे ला दें। और हमें ब्राइटनेस अगर हम देना चाहते हैं तो हम येलो कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको शो करूँगी, जूम करेंगे हम कैमरा। ये देखिए बेटा ग्रास हमने कैसे कलरिंग करा है, अभी फर्स्ट हमने लाइट ग्रीन, अपर साइड हमने स्केच पेन करा है,
आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम सी टाइप से। यहाँ पे भी हम कलरिंग कर सकते हैं, इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपने कलरिंग से। अभी हम बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे। बैकग्राउंड से पहले लिखनी है हमें ट्रीज, हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो अभी मैं येलो कलर करूंगी स्टैम्प में बोथ साइड, हम लेके चलेंगे दोनों को साथ। अब हम ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है येलो के साथ ब्राउन मिक्स करते हैं। किसी भी कलर में येलो के साथ ब्राउन मिक्स करते हैं एक अलग ही ब्राइटनेस आ जाती है उससे। तो बच्चे आप सब ऐसे आप भी अप्लाई करेंगे इसे अपनी कलरिंग टेक्निक में। यहाँ रेड कलर भी करूँगी मैं यूज़, वन साइड ओनली वन साइड हम यूज़ करेंगे ट्री की कलरिंग में रेड कलर। बिल्कुल लाइट हम ब्लैक कलर में यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्री के अंदर कलरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं क्रियॉन्स कलर यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं करूँगी येलो कलर, वन साइड हम येलो कलर लेके चलेंगे। क्रियॉन्स कलर जल्दी मर्ज होते हैं तो इसलिए मैं आपको ऑल कलरिंग के पेंसिल कलर स्केच पेन सब मैंने आपको यूज़ करके बताया। तो आप भी इस टाइप से आप कलरिंग कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है मीडियम वो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी कलरिंग में। अब ये देखिए अभी हमने येलो कलर करा है, अब हम करेंगे ग्रीन कलर। और इसको हम मर्ज करेंगे, अब हम करेंगे डार्क ग्रीन कलर। अब हम इसे मर्ज करना चाहेंगे, हम इसको कॉटन बड ले सकते हैं मर्ज करने के लिए कलरिंग। बट यहाँ मैं फिंगर से भी करके दिखा रही हूँ आपको। ऑयल पेस्टल कलर इजीली मर्ज हो जाते हैं, इसकी खासियत होती है ये। ये देखिए अभी लाइट एंड डार्क सारे टोन्स आपस में मिक्स हो जाएंगी, ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। अभी हमने डार्क इफेक्ट दिखाया है आपको, मैं आगे शो करती हूँ आपको। यहाँ देखिए अभी ये स्केच पेन से हम क्या करेंगे, एक ब्यूटीफुल इफेक्ट निकालेंगे।
इसको हम कंप्लीटली पेंसिल कलर फिल कर दिए। वन ट्री हम लाइट रखेंगे और अदर ट्री हम डार्क रखेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं इसकी साइडेड एरिया ऐसे हम डार्क रखेंगे। बहुत पेशेंस के साथ कलरिंग करनी होती है बेटा। अब मैं आपको फाइनल लुक शो करूंगी। ये देखिए फाइनल लुक हमारा वन डार्क ट्री एंड अदर लाइट कलर में ट्री हमने कलर किया है। ये देखिए और हम येलो कलर से अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट दे सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं कलरिंग, ब्राइटनेस दे सकते हैं यहाँ में। लास्ट कलरिंग रहती है अब हमारी बैकग्राउंड। यहाँ लैंड शो किया है, यहाँ पर हम ग्रीनरी दिखाएंगे तो फर्स्ट मैं येलो टोन करूँगी। फर्स्ट आपको लाइट कलर बिल्कुल येलो इस टाइप से करना है। मुझे फॉलो करेंगे देखेंगे आप। ऑल ओवर बैकग्राउंड में हमने येलो कलर इस टाइप से फिल करना है। देन इसको हम अदर कलर से हम मर्ज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है लाइट ग्रीन कलर, इससे हम इसको मर्ज करेंगे। येलो कलर हम लाइट ग्रीन के साथ मर्ज कर देंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा, एज अ बिल्कुल ग्रीनरी का इफेक्ट आ जाएगा। ये और इसको हम ऐसे हैंड से भी मर्ज कर सकते हैं, कॉटन की हेल्प से हम इसको मर्ज कर सकते हैं। तो हमने इस टाइप से कलरिंग करनी है और अब हम करेंगे लास्ट कलर यूज, डार्क ग्रीन कलर यूज करेंगे। ये डार्क इफेक्ट दिखाऊंगी, हल्का सा मैं बैकग्राउंड में शो करूंगी।
रफ पेपर की हेल्प से हमने इसको क्या करना है, मर्ज करना है, अपनी कलरिंग मर्ज करनी है। ऐसे आपको पेपर से इसको मर्ज करना है। तो यहाँ हम कंप्लीट कलरिंग अपने कैसे कर रहे हैं, हम टिप से पकड़ना है, फिंगर टिप से आपको इसको मर्ज करना है। आपको अभी हमने कलर मिक्स करा था, एक्स्ट्रा कलर आपको यूज नहीं करना है, ओवर लेयर नहीं करना है इसको, लाइट लेयर बिल्कुल फर्स्ट सेकंड कोड में आप इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट येलो, देन लाइट ग्रीन, देन डार्क ग्रीन आपको लास्ट टोन का रखना है। थ्री टोन में हमने ये कंप्लीट करा है। इसको हम ऐसे मर्ज कर देंगे पेपर से। तो आपका ये बैकग्राउंड इस टाइप से हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम अदर कलर से टोन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। बस अब हम स्काई करेंगे, स्काई में हम कलरिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं येलो कलर बिल्कुल लाइट यूज करूंगी, लाइट ब्लू, ब्लू कलर में यूज करूंगी। ये देखिए कैसे, साइड साइड ही करना है हमें। अभी हम क्या करेंगे, हमने पेपर से रब किया था डाउन साइड कलर, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। वाइट एरिया थोड़ा है वहाँ से यूज करेंगे। ये कलर हम मर्ज कर देंगे। और अभी मैं यहाँ पर लूँगी वाइट कलर, मिक्सिंग के लिए बेटर रहता है ये। इसको आप व्हाइट कलर की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर लेंगे हल्का सा ग्रास में। हम ब्लू कलर से क्या होता है, डार्कनेस दे सकते हैं हम और इसको हाईलाइट कर सकते हैं ग्रास को। क्लास यहाँ पर अब आपका दोनों कलरिंग एंड ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। आप भी ऐसे ट्राई करेंगे और नीटनेस का ध्यान रखेंगे, नीट एंड क्लीन इसको ड्रॉ करेंगे एंड कलरिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।